लखीमपुर की पुलिस की उल्लेखनीय सफलता। जिला सहकारी बैंक मंडी समिति शाखा लखीमपुर में करीब 32 लाख की चोरी की गई थी। पुलिस ने इस अपराध का सफल अनावरण किया है। नकदी की बरामदगी की है। चोर बैंक चोरी की कई वारदात कर चुके हैं। आपको बता दें, नवागत ACP गणेश प्रसाद शाह ने राजापुर मंडी में स्थित जिला सहकारी बैंक में हुई 32 लाख की चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 4,05,000 रुपये नकदी व चोरी करने के दौरान इस्तेमाल किए गए उपकरण एक कार बरामद की है। महाराष्ट्र के अमरावती का रहने वाला है चोरी का सरगना सुरेश काशीनाथ, जो कि कई राज्यों में बैंक चोरी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। खुलासे में CO सिटी संदीप सिंह के नेतृत्व में सदर कोतवाली पुलिस सर्विलांस सेल व स्वाइट टीम शामिल रही है। मंडी में जो राजापुर में जो चोरी की घटना के बारे में कह रहे हैं, ये 16 तारीख को बैंक में, सहकारी बैंक में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा बैंक के लॉकर को काटकर करीब 32 लाख रुपए ले जाने की घटना हुई थी। घटना की सूचना के बाद हमारी जितनी भी टीमें होती है, चाहे वो फॉरेंसिक की टीम हो, पुलिस की टीम हो, वो घटनास्थल पे गई। हमारे अधिकारियों के द्वारा भी घटनास्थल का मुआयना किया गया और ये जो गंभीर घटना थी इसको खोलने के लिए प्रयास स्टार्ट हो गया। शुरुआती क्लू में हमें ये पता चला कि कुछ गैस कटर के द्वारा पूरे लॉकर को काटा गया है और CCTV फुटेज से भी कुछ लोगों के आने की सूचना मिली। या मैं ये बताना उचित समझूंगा कि जो बैंक में प्रवेश हुआ है वो बाथरूम के द्वार से हुआ था। खिड़की को बहुत ही आसानी से काट लिया गया था और दरवाजे को तोड़ के बहुत ही आसानी से वो बैंक के अंदर प्रवेश कर गए। हमें जो फुटेज मिले थे बैंक के द्वारा, जिसको बाद में अभियुक्तों द्वारा डिस्कनेक्ट कर दिया गया था, दो आदमी सीधा दिख रहा है और एक आदमी फ्लैशबैक में हमें दिख रहा है टॉर्च के द्वारा कि लग रहा है कि एक व्यक्ति पीछे भी था। उसके बाद हम लोगों ने पूरी घटना की छानबीन स्टार्ट की। उस दुकान को पहचान किया गया जिससे ये सामान खरीदा गया होगा। लकली हमें जल्द ही वो दुकान की पहचान हो गई। जब दुकानदार से बातचीत किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि ये सामान उनके ही दुकान से खरीदी गई है 2-3 दिन पहले, और खरीदारों में से एक खरीदार यहाँ की नहीं बाहर की बोली बोल रहा था और संभवतः वो महाराष्ट्र का था, महाराष्ट्र की भाषा होगी। उसके बाद हम लोगों ने होटल के तलाश की जहाँ पर वो संभावित रुक सकते थे। होटल के आइडेंटिफिकेशन के बाद जो हमें नंबर मिले, जो नाम मिले, उस पर काम स्टार्ट हुआ। तो उसमें एक तुषार नाम का व्यक्ति की ID और नंबर पूरी तरह मैच कर गई। हमारी टीम प्रतापगढ़ गई। पूछताछ के बाद ये साबित हुआ कि इसमें और भी लोग शामिल हैं और एक कनेक्शन हमारा अमरावती का निकला। बैंक में जो चोरी की घटना हुई है, जिस माध्यम से ये लोग आए थे, जो गाड़ी प्रयुक्त की गई थी, जो सामान प्रयुक्त किया गया था, उसके लिए भी हम लोगों ने